लोग घर में लड़ियां लगाएंगे तो वायर स्टॉक ले लो, लोग एथनिक वियर खरीदेंगे तो ये स्टॉक ले लो, लोग पेंट करवाएंगे तो ये स्टॉक ले लो बोलकर आपको चूना लगाया जाता है। ये हर साल होता है और ये सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये है एक स्टॉक जो कि लास्ट ईयर दिवाली में सो कॉल्ड एजुकेशन के नाम पर आपको बहुत सारे क्रिएटर्स ने रिकमेंड किया था। इसके पीछे जस्टिफिकेशन ये दिया गया था कि ये कंपनी एथनिक वियर बनाती है तो इस बार दिवाली में एथनिक वियर की खूब सेल्स होगी, जिससे अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको भी प्रॉफिट होगा। अब देखो, सेल्स तो कंपनी की बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद भी जिस किसी ने लास्ट ईयर की दिवाली में इस स्टॉक को बाय किया होगा वो आज एक साल बाद भी लॉस में है, क्योंकि इस स्टॉक ने पिछले एक साल में नेगेटिव 10% के रिटर्न्स दिए हैं। और ये सिर्फ एक स्टॉक नहीं है, इस तरह के और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे लास्ट ईयर आपको YouTube में दिवाली स्टॉक्स के नाम पर बहुत सारे क्रिएटर्स ने ये गोल्ड सेल करने वाली कंपनी का स्टॉक भी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बताया गया था। इसके पीछे जस्टिफिकेशन ये दिया गया था कि ये कंपनी गोल्ड सेल करती है और दिवाली और धनतेरस में बहुत सारा गोल्ड सेल होगा, जिससे इस कंपनी की सेल्स बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होगा। अब इस केस में भी कंपनी की सेल्स बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले एक साल में इस स्टॉक ने नेगेटिव 70% के रिटर्न्स दिए हैं। इसके अलावा जो पेंट स्टॉक है वो तो हर दिवाली सबके फेवरेट होते हैं, और इसके पीछे जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है कि दिवाली में लोग घर पेंट करवाएंगे, जिससे इसकी सेल्स बढ़ेगी। और ऐसा ही ये स्टॉक आपको लास्ट ईयर कुछ बड़े बड़े क्रिएटर्स ने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बताया था। अब उनकी बात मानकर जिस किसी ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा वो अप्रैल के महीने तक तो 20% के लॉस में रहा होगा और आज एक साल बाद भी उसको सिर्फ 1% का रिटर्न मिला होगा। तो हर दिवाली लोग घर में लड़ियां लगाएंगे तो वायर स्टॉक ले लो, लोग एथनिक वियर खरीदेंगे तो ये स्टॉक ले लो, लोग पेंट करवाएंगे तो ये स्टॉक ले लो बोलकर आपको चूना लगाया जाता है। पर सच बात तो यह है कि दिवाली या किसी ओकेजन के आने से कंपनी की सेल्स में तो फर्क पड़ता है, लेकिन ये फर्क उसके शेयर की प्राइस में बहुत रेयरली ही दिखाई देता है, क्योंकि ये सभी सीजनल ट्रेंड्स हैं जो कि हाईली प्रेडिक्टेबल होते हैं। यानी सबको पता है कि एक पर्टिकुलर फेस्टिवल या पर्टिकुलर ओकेजन आने पर उससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनकी सेल्स बढ़ेंगी, यानी ये हर साल होता है और ये सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। जिस वजह से जो कंपनी की सेल्स बढ़नी है ना, वो उसके शेयर की प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड होती है। मतलब उस सेल्स ग्रोथ को ऑलरेडी प्रिडिक्ट करने के बाद ही इन्वेस्टर्स ने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। तो इसलिए अगर किसी हाईली प्रिडिक्टेबल ओकेजन की वजह से कंपनी की सेल्स बढ़ती भी है तो उससे उसकी शेयर की प्राइस में कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन मान लो अगर किसी वजह से सेल्स नहीं बढ़ी या फिर इन्वेस्टर्स ने जितना प्रिडिक्ट किया था उतनी नहीं बढ़ी, तो इस केस में शेयर की प्राइस गिर जरूर सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स मानकर चल रहे थे कि कंपनी की सेल्स बढ़ेगी और उन्होंने उस सेल्स ग्रोथ को कंपनी की वैल्यूएशन में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा था, लेकिन हुआ उसका अपोजिट। इसके अलावा देखो, जनरली दिवाली जो है वो अक्टूबर या नवंबर के मिड तक आती है और ये वही टाइम होता है जब बहुत सारी कंपनीज की Q2 यानी सितंबर क्वार्टर की रिपोर्ट आनी होती है। तो अगर मान लो आपने सिर्फ दिवाली की सेल्स को प्रिडिक्ट करके एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और उसकी Q2 की रिपोर्ट ही खराब आ गई, तो ऐसे में भी उस स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। यानी आपको हर साल जो दिवाली के नाम पर स्टॉक्स बताए जाते हैं या फिर किसी ऐसे एक पर्टिकुलर ओकेजन के नाम पर स्टॉक्स बताए जाते हैं जो कि हाईली प्रिडिक्टेबल है, वो अगर आप उस कंपनी की जो ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल सेल्स ग्रोथ है उसके बेसिस पर खरीदोगे तो आप उस स्टॉक में फंस सकते हो और आपको लॉस भी हो सकता है। और अगर मान लो आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो भी जाता है तो भी क्या वो प्रॉफिट लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएगा सिर्फ इस वजह से कि दिवाली में इसकी सेल्स बढ़ी थी या फिर बढ़ती है? नहीं ना। तो फिर एक सीजनल ट्रेंड जो कि सबको पता है कि होना है, सिर्फ उसके बेसिस पर इन्वेस्ट करना एक सही डिसीजन नहीं है। अब देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दिवाली में स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए। आप खुशी खुशी दिवाली में स्टॉक्स खरीद सकते हैं। इवन मैं खुद दिवाली में स्टॉक्स खरीदना पसंद करता हूं। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी ऐसा ओकेजन जो कि हाईली प्रेडिक्टेबल है और जो सबको पता है कि होना है और जो हर साल होता है, फिर चाहे वो दिवाली में पेंट, वायर्स या फिर गोल्ड की सेल्स बढ़ना हो या फिर गर्मियों में एसी की सेल्स बढ़ना, वो आज नहीं हमेशा से होता आ रहा है और वो शेयर की प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड होता है, क्योंकि सबको पता है कि ये होना है। तो आपको सिर्फ उसके बेसिस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप दिवाली में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इवन अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर दिवाली से बेटर ओकेजन और क्या हो सकता है? अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर हम किसी ओकेजन को देखकर इन्वेस्ट ना करें तो फिर हम क्या देखकर इन्वेस्ट करें और कब इन्वेस्ट करें? तो देखो, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो
अपनी मेहनत का पैसा एक स्टॉक में लगा रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट आपको उस स्टॉक का ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद ही करनी चाहिए। अब देखो, स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस करना कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको सिर्फ एक वीडियो में सिखा सकूं, बट फिर भी मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं जिस तरीके से आप स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे एनालिसिस करेंगे तो फिर आप इस तरह के फेस्टिवल स्टॉक गिमिक्स में नहीं फंसेंगे और खुद अपने लिए क्वालिटी स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि स्टॉक एनालिसिस करना कैसे है। तो किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले डायरेक्टली उस स्टॉक के बारे में सीखना या पढ़ना शुरू नहीं करना है। पहले आपको उस सेक्टर का एनालिसिस करना होगा जिस सेक्टर से वो कंपनी बिलोंग करती है, और इसको सेक्टोरल एनालिसिस कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ के क्या क्या चांसेस हैं और उसमें रिस्क क्या क्या है। अब ये करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप पेस्टल एनालिसिस कर सकते हैं, आप BCG एनालिसिस कर सकते हैं, SCP एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर आप माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस को यूज कर सकते हैं। अब देखो, ये सारे तरीके एक वीडियो में तो नहीं बताए जा सकते, इसलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस को यूज करने का तरीका सिखा देता हूं। तो इस तरीके में बेसिकली हमें 5 फोर्सेस देखनी होती हैं, जो कि हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स और इंडस्ट्री राइवलरी। इन सभी को हॉस्पिटल सेक्टर के सिर्फ एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो, हॉस्पिटल में बार्गेनिंग पावर जो बायर की है वो बिल्कुल जीरो होती है, क्योंकि बायर कभी डॉक्टर को ये नहीं बोल सकता कि डॉक्टर साहब ये 1.5 लाख रुपए वाला ऑपरेशन 50,000 में कर दो, मैं तो इतने ही दूंगा। तो क्योंकि यहाँ पर बायर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, तो ये बिजनेस के लिए अच्छा है। इसके बाद अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर की बात करें तो हॉस्पिटल में कुछ सप्लायर की जो बार्गेनिंग पावर होती है वो हाई होती है, क्योंकि इसमें जो सप्लायर है वो डॉक्टर और नर्सेज हैं, जो कि इजीली नहीं मिलते हैं और वो हाईली स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, जो कि इस सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस वजह से आपको उन्हें ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी और आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट की बात करें तो वो इस सेक्टर में कम है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ोगे तो आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। अब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स की बात करें तो देखो, हॉस्पिटल बनाने में बहुत खर्चा आता है, इसके लिए बहुत सारे लाइसेंस भी चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर नए लोग इस बिजनेस में आसानी से एंटर नहीं कर सकते हैं, जो कि इस बिजनेस के लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर इंडस्ट्री राइवलरी की बात करें तो क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है कि दूसरे हॉस्पिटल को अपनी प्राइस घटानी पड़े, तो ये भी इस बिजनेस के लिए अच्छा है। और इस तरीके से आप अपना सेक्टोरल एनालिसिस कर सकते हैं। अब जब आप एक स्टॉक का सेक्टोरल एनालिसिस कर लेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा बिजनेस एनालिसिस। इसमें हमें देखना है कि वो कंपनी बिजनेस क्या कर रही है और उसमें क्या ग्रोथ है। अब देखो, ये तो हमें पता है कि अगर कोई कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करती है तो वो IT से रिलेटेड बिजनेस कर रही होगी, लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जरूरी नहीं है कि हर IT सेक्टर की कंपनी में ग्रोथ हो। तो अगर कोई कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम कर रही है, मशीन लर्निंग की फील्ड में काम कर रही है, तो हमें पता है कि इस बिजनेस में ग्रोथ है, तो इस तरीके से आपको उस बिजनेस का एनालिसिस करना होगा। अब बिजनेस एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट आएगा वीडियो को लाइक करना। तो हम बहुत मेहनत के साथ इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं जो कि कोई नहीं बनाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और उसके बाद समझिए कि अब आएगा फंडामेंटल एनालिसिस। तो देखो, फंडामेंटल एनालिसिस कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2-4 पॉइंट बता दूं और आप फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाएं, क्योंकि इसमें आपको कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज करके देखना होता है कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ कितनी है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, उसके ऊपर डेट कितना है, वो इक्विटी कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न कमा रही है, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, उसका करंट रेशियो क्या है, और इसके अलावा आपको उसके बहुत सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियोज भी देखने होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करना है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, उसका बिजनेस एनालिसिस कैसे करना है, सेक्टोरल एनालिसिस कैसे करना है, तो इसके ऊपर हमने 46 लेक्चर्स का एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है, जिसकी 2 वीडियोस आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं हमारे ऐप नीरज जोशी पर, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो कोर्स बाय करना है या फिर नहीं। तो हमारे स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर से नीरज जोशी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद बारी आती है वैल्यूएशन एनालिसिस की। इसमें आपको कंपनी का PE रेशियो, PB रेशियो, PEG रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो जैसे बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं, और उनके बेसिस पर जज करना होता है कि स्टॉक महंगा मिल रहा है या फिर सस्ता मिल रहा है। वैसे ये भी हमने हमारे कोर्स में सिखा रखा है। और फाइनली अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है तो आप उसका बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें आप उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मैटर नहीं
नहीं करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म की सोच रहे हो तो फिर आप ये देख सकते हो। तो यही प्रोसेस होता है कि स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस करने का। वैसे कुछ टूल्स की मदद से ये बहुत आसानी से किया जा सकता है, जो कि हमने हमारे कोर्स में सिखा रखा है, तो आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो हमेशा एक स्टॉक का इस तरीके से कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ओकेजन की वजह से, जैसे कि दिवाली। उस पर्टिकुलर स्टॉक की एक क्वार्टर में सेल्स बढ़ेगी, इस वजह से उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऐसे आपके साथ धोखा हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।